दोस्तों आप लोगों को पता है जब भी Realme अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो वो करते ही चला जाता है। Realme 6 किया, Realme 6i किया, अब Realme 6 Pro भी कर दिया। वैसे दोस्तों अगर आपने मन बना लिया था Realme 6 Pro खरीदने का, आप कन्फ्यूजन में थे कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है या नहीं है, वेल सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जो फ्रेंड सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे Realme 6 Pro के डिज़ाइन और डिस्प्ले की, तो नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है इस बार। बैक में यहाँ पे आपको चार कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है साइड में, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ बैक में जो कलर दिया गया कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, इसे आप लाइटिंग ब्लू कहिए। जब भी लाइट पड़ती है तो ये कलर चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो बैक है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्ट के साथ आता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके फ्रंट पैनल की मतलब डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, मतलब आपको लेफ्ट में दो कैमरे का सेटअप भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों ये जो डिस्प्ले है वो 19Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है, मतलब आपका डिस्प्ले के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो डिस्प्ले है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोडक्ट के साथ आती है, मतलब आप कह सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज नोटिस करी होगी कि बैक में यहां पे आपको कोई भी फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही दोस्तों आपको बताइए स्क्रीन है जो एमुलेट है, तो यहां पे जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया वो पावर ऑन ऑफ बटन में दिया गया है, मतलब आप जब भी अपने पॉकेट से फोन को निकालेंगे तो आपका जो फिंगर है वो ऑटोमेटिकली पावर ऑन ऑफ पे जाता है, तो वहां से आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहां पे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट मैं जरूर से कहना चाहूंगा Realme 6 Pro में डिजाइन और डिस्प्ले में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। मैं इसीलिए दोस्तों डिजाइन और डिस्प्ले के लिए Realme वालों को एक बड़ा सा थम्स अप देना चाहूंगा। अगर आपको दोस्तों ये डिजाइन और डिस्प्ले पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। वैसे दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB 6GB 128GB स्टोरेज और 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको तीनों ही वेरिएंट में माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जो कि Realme की ताकत है, क्योंकि वो जितने भी स्मार्टफोन लाते हैं वहाँ पे माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट जरूर से देते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है 6.6 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और 3.5 ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको 13W का फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप कह सकते हैं बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन कम भी नहीं कहेंगे क्योंकि 4300mAh इनफ है, लेकिन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी बैटरी क्योंकि 13W का फास्ट चार्जर आ रहा है, तो जल्दी बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन दोस्तों अगर आप नए नए मोबाइल से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाले आइकन को हिट कर देना, क्योंकि जब भी हम अपनी नई कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक डेफिनेटली पहुंच जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और यही प्रोसेसर दोस्तों मैं आपको बता दूँ रेडमी नोट 9 प्रो में भी आया है। वैसे दोस्तों हमने रेडमी नोट 9 प्रो पर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, उस वीडियो को जाकर के देख लेना दोस्तों कैसा लगेगा आपको Redmi Note 9 Pro, हमें उस वीडियो में कमेंट में जरूर से बता के जाना, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में, क्योंकि आपको बताया कि कैमरे का हाईलाइट फीचर्स बना हुआ है। तो बैक में यहाँ पे आपको जो चार कैमरे का सेटअप देखने को मिला है वो 64MP का इसका प्राइमरी सेंसर दिया गया है, 8MP का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 12MP का यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस आपको देखने को मिलता है, और लास्ट कैमरा आपको 2MP का देखने को मिलता है, वो माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं बैक के कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप बैक के कैमरे से 20x जूम तक फोटो क्लिक कर पाएंगे। फ्रंट
कैमरे की बात करें तो दोस्तों वो भी कम नहीं है। फ्रंट में जैसे कि आपको बताया है कि लेफ्ट में टॉप पर डुअल सेल्फी देखने को मिली है, जहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिला है, जहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिला है। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रंट के कैमरे से आप ग्रुप वाली सेल्फी अब ले पाएंगे। पहले क्या होता था, नहीं ले पाते थे, लेकिन अब आप ग्रुप वाली सेल्फी फ्रंट कैमरे से लेना चाहेंगे तो आप ले पाएंगे। कमाल का फीचर है दोस्तों। वैसे दोस्तों कैसे लगे हैं आपको ये कैमरे, कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर से पूछना चाहूँगा कि ऐसा एक और कौन सा फ़ोन है जिसमें आपको फ्रंट में डुअल सेल्फी देखने को मिली थी, कमेंट में बताएं। और दोस्तों जरूर से बता के जाना, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि कितने आप कंटिन्यू मेरे व्यूवर हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि एक और कौन सा स्मार्टफोन था जिसमें आपको फ्रंट में डुअल सेल्फी देखने को मिली थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लगे हाँ तो इसकी प्राइस के बारे में। तो 6GB 64G वाले की कीमत है वो 16,999 रुपये है। वहीं दोस्तों 6GB 128G वाली कीमत है वो 17,999 रुपये है। इसका टॉप मॉडल 8GB 128G वाली कीमत है वो 18,999 रुपये। मतलब आप अगर इसका टॉप मॉडल खरीदना चाहते हो तो आपको 19,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप इसका बेस वेरिएंट 6GB 64G वाला खरीदना चाहते हो तो दोस्तों आपको 17,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करें दोस्तों मेरे ओपिनियन की, तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा कमाल का स्मार्टफोन है, ना ही दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप रियलमी के फ़ैन हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आप इस स्मार्टफोन की साइड जा सकते हैं, आपके पैसे वेस्ट नहीं होने वाले हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। और बने हुए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं। मैं मिलूंगा आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।